एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बददुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुन रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं यहां से प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता, आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं कर सकता, इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया, तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख दिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसलिए आपकी यह गलतियाँ आपके पास ही रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी अनुसार बुद्ध ने लोगों को एक अच्छी सीख दी। ऐसी तमाम कहानियाँ हम अपने चैनल पर लाते ही रहते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।